विधानसभा की मेरी बहनें मेरे घर पर आई हैं और मैं उनका स्वागत फूलों की होली के साथ कर रहा हूं और उनको ये बधाई देकर ये प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो इंसानियत का असल धर्म है एक दूसरे से मोहब्बत बांटना, एक दूसरे को अपना बनाना, जिस तरह उन्होंने मुझे भाई बनाया तो भाई का कर्तव्य एक बहनों के साथ भाई पूरा करने का प्रयास कर रहा है जिस फूलों की होली के साथ। आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं विनोद विसे, मैं मराठी सांस्कृतिक मंडल का सेक्रेटरी हूँ और आज यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती का जन्मोत्सव मनाया गया जिसमें डॉक्टर दिलीप बेहरे जो जनसंपर्क अधिकारी है श्रम विभाग मध्य प्रदेश शासन में, उनका यहाँ पर एक व्याख्यान हुआ है। बड़े उत्स्फूर्त तरीके से लोगों ने इसको जन समर्थन दिया और यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग यहाँ उपस्थित हुए और शिवाजी महाराज जी का जन्मोत्सव मनाया गया। और क्या कुछ खास रहा आज के इस कार्यक्रम में? आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर बेहरे साहब की तरफ से शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य से लेकर मराठा साम्राज्य तक इस विषय पर एक उत्स्फूर्त तरीके से एक बड़ा व्याख्यान हुआ जिसमें एक ओजस्वी व्याख्यान रहा उनका आज के जन्मोत्सव में। मैं महेश ठकार यहाँ श्री गणेश मंदिर समिति पिपलानी और मराठी सांस्कृतिक मंडल का अध्यक्ष हूँ और इस कार्यक्रम की विशेषता रही कि बहुत सारे लोगों ने यह आके बताया कि बहुत सारी चीज़ें जो मराठा साम्राज्य के बारे में हमें पता ही नहीं थी उसके बारे में ज्ञानवर्धन हुआ और ऐसे ही कार्यक्रम होते रहे ऐसे लोगों ने हमें हिदायत दिया है जिसका हम पूरी तरीके से पालन करेंगे। लगभग कितनी संख्या होगी भोपाल? करीबन मराठी समाज की संख्या 2 लाख के आसपास है। 6 लाख? 6 लाख? हाँ 6 लाख। नहीं, सरकार की जो हमारी जो अपेक्षाएं हैं सरकार पूरी कर रही है, कोई खास हमारी नहीं। हम अलग से नहीं रहना चाहते, हम अलग से रहना ही नहीं चाहते, हम यहाँ मिलजुल कर ही रह रहे हैं। सब मिलजुल कर रहे, सबका साथ सबका विकास। कोरोना के बाद में पहली बार ऐसा आयोजन हुआ है, कैसा महसूस? ये हमारे कार्यकारिणी की मेहनत का फल है जो यहाँ इतने सारे लोग एकत्रित हुए। हमें ये हमारा वरांडा या हॉल ये भी छोटा पड़ रहा था जिसकी बहुत खुशी है हमें और ऐसे आयोजन होते रहेंगे। डॉक्टर बेहरे साहब को भी हम हमेशा बुलाते रहेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर दिलीप बेहरे, आज यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का कल जयंती है तिथि के अनुसार, फाल्गुन कृष्ण तृतीया को उनका जन्मतिथि है और उस हिसाब से कल चतुर्थी रहती है। अन्य कार्यक्रम होने के कारण एक दिवस पूर्व शिव जयंती यहाँ मनाई गई और सभी यहाँ पर उपस्थित हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो अनुकरणीय कार्य हैं और उस समय जो विकट परिस्थितियों में उन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की उसका संदेश प्रत्येक घर में जाना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं थे, संपूर्ण देश के लिए उन्होंने जो कार्य किया और भारत माता को गौरव बढ़ाने के लिए जो उन्होंने कार्य किया उसका संदेश घर घर तक पहुंचना चाहिए, यही हम लोग। हिंदू दर्पण मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष मनोज सिंह राजपूत जी के नेतृत्व में होली मिलन का ये आयोजन बघेली फाट के रूप में है और इस संस्था का उद्देश्य है कि हिंदू संगठित रहे, एक रहे और राष्ट्र के लिए समर्पित रहे, क्योंकि ये आयोजन हम हिंदू समरसता हिंदू सनातन धर्म के अनुसार एक दूसरे को जोड़ने का प्यार और स्नेह का त्यौहार है और हम चाहते हैं कि सब लोग एक साथ मिलकर हिंदुत्व के लिए, राष्ट्रत्व के लिए और हम एक दूसरे के लिए गले से गले मिलें और इस त्यौहार को लगातार मनाते रहें। हिंदू दर्पण इस तरह के आयोजन लगातार काफी समय से करती आ रही है और हमारे भोपाल जिले की पूरी टीम का सभी का सहयोग और मालवीय धर्मशाला का इससे आशीर्वाद हमें मिलता रहता आप सभी का। देखिए, युवाओं के लिए एकमात्र संदेश ये है कि साथ रहें, संगठित रहें और एक दूसरे का सहयोग करते रहें।
आज के समय में सहयोग की भावना युवाओं के अंदर कम होती जा रही है। जैसे भाई साहब ने कहा, व्हाट्सएप में हम सीमित हो चुके हैं। आजकल विचारधाराओं का आदान प्रदान केवल और केवल व्हाट्सएप पर ही हो रहा है। तो मैं बस युवा से यही कहूँगा, व्हाट्सएप से हटकर भी एक दुनिया है, कृपया उस दुनिया में आए और सबका सहयोग करें। गणपत जी की पूर्व संध्या पर अग्रसेन चौराहे पर अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। इसमें देश के जाने माने कविगण भाग ले रहे हैं। ये एक बहुत पुरानी परंपरा भोपाल की है और इस परंपरा को भाई अखिलेश जैन ने जीवित रखा और इसका निरंतर आयोजन हर प्रतिवर्ष कर रहे हैं। ये हिंदी प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं भोपाल के सभी नागरिकों से अनुरोध करता हूँ कि इस आयोजन में भारी संख्या में उपस्थित हो और इस आयोजन को सफल बनाए। होली एवं रंग पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं प्रदेशवासियों और देशवासियों को देता हूँ। जनप्रवाह एक प्रयास है हिंदुओं को जोड़ने के लिए और इसके मुख्य सलाहकार जो हैं हमारे प्रेरणा के स्रोत हिंदुओं के पंडित ओम मेहता जी, पंडित ईश दयाल शर्मा जी, हमारे बड़े भाई राजकुमार वर्मा जी, के सक्सेना जी, इन लोगों के माध्यम से ये 15 वर्षों से कवि सम्मेलन का आयोजन किया आता जा रहा है। और इस कार्यक्रम के तहत सिर्फ जो हमारे सनातन धर्म या हिंदू धर्म की परंपराओं जो चली आ रही थी वो मुझे लगता है कि कहीं विलुप्त होती जा रही है, इसलिए मेरा एक प्रयास है कि इस कार्यक्रम को जीवित रखने के तहत इससे सारे बच्चों को, सभी लोगों को प्रेरणा मिले और हिंदुओं का त्यौहार और हिंदुओं के सभी लोग आगे बढ़ चढ़ के इसका भाग लेते रहे, बस यही मेरा प्रयास है। इसमें बड़े कवियों में हमारा प्रयास रहता है कि जैसे सत्यनारायण सत्तन जी हैं, पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी हैं, अनामिका अंबर हैं, विष्णु सक्सेना जी हैं, जवानी वैरागी हैं और दिनेश बाबरा जी हैं। ऐसे करीब 12 कवि जो हैं वो इस पूरे रात्र में जो है वो रात्रि जागरण सबके लिए बिल्कुल सब प्रयास है और आशीर्वाद बड़े बुजुर्गों का है हम लोगों पे, तो अच्छा करने की कोशिश करते हैं और कुछ अच्छा हो जाए ये प्रयास। पिछले 2 वर्षों के अगर अपन कार्यक्रम में देखें तो काफी जो हानि हो रही है, एक आपदा थी, उस आपदा को देखते हुए अब ये 2 वर्षों बाद जो है कार्यक्रम का पुनः कार्यक्रम करने का प्रयास है। आप लोगों के चैनल के माध्यम से यही प्रयास है कि सभी लोग इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करें। परी म्यूजिकल ग्रुप छोला भोपाल मध्य प्रदेश। सबसे पहले तो मैं भारत के चौथे स्तंभ इलेक्ट्रिक मीडिया पत्रकार मीडिया सभी को हृदय से होली और रंग पंचमी की शुभकामनाएं और हृदय से प्रणाम करता हूं। 2 साल हमारे जीवन में बहुत दर्द रहा, पूरे भारत में कोरोना की बीमारी रही, इस कारण पूरे भारत के साथ साथ हमारे समाज के भी नन्हे मुन्ने बच्चे और हम लोग सब अपने घरों में कैद थे, मायूस थे और सोचते थे कि हमारी खुशियाँ कब लौटेंगी। हमें खुशी है कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के अथक प्रयासों से और भारत के सम्माननीय वैज्ञानिकों के प्रयास से वैक्सीन का निर्माण हुआ और आज हमारे देश से कोरोना की बीमारी जा रही है। इस पर्पस में हम 4 समाज के नन्हे मुन्ने बच्चों की ओर से एक होली मिलन समारोह फाग महोत्सव का कार्यक्रम रखा है। 4 समाज युवा शक्ति भोपाल के बैनर तले हम नन्हे मुन्ने बच्चे आप सभी को और पूरे मध्य प्रदेश को, भारत को होली और रंग पंचमी की हृदय से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और हमेशा खेड़ापति हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, हे महाकालों के काल महाकाल, हमारे भारत में आप कभी भी ऐसी बीमारी ना आए, हम सबके घरों में खुशियां महकें, हम एक दूसरे से गले मिलें, हमेशा प्रेम की बातें करें और ठाकुर जी सभी पर कृपा बरसाए रखें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। आप सभी का बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन और स्वागत है। अब से कुछ ही क्षणों बाद बहुत ही सुंदर यहाँ पर फाग महोत्सव होने जा रहा है। फाग महोत्सव में जो कलाकार हैं वो आपके मध्य प्रदेश के 4 समाज के ही बच्चे हैं जो मध्य प्रदेश में कोने कोने में विख्यात है। परी म्यूजिकल ग्रुप छोला भोपाल के नाम से आज वो यहाँ पर बहुत ही सुंदर राधा और कृष्ण की
मयूर लीला का दर्शन होगा, उसके साथ साथ फूलों की होली और ब्रज की होली होगी। आज के इस कार्यक्रम की चीफ गेस्ट परम सम्माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी विधायक गोविंदपुरा हैं, जो अब से कुछ ही क्षणों के पश्चात हम सब बच्चों को आशीर्वाद देने और मार्गदर्शन करने के लिए पधारने वाली हैं। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। केलापति हनुमान जी महाराज की जय, केलापति इमली माता मंदिर की जय। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत प्रणाम। सेमरा कला में श्री केलापति इमली माता मंदिर में चिलाहट समाज युवा शक्ति द्वारा होली और रंग पंचमी के अवसर पर फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में सामाजिक बंधुओं ने इसमें सहयोग करके इस आयोजन को उल्लास और उत्साह के वातावरण में मनाने का यहाँ पर काम किया है, जिसमें परी म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों द्वारा फाग महोत्सव के अंदर बहुत सुंदर प्रस्तुति यहाँ दी जा रही है। भगवान कृष्ण और राधा के होली पर्व के जिस प्रकार से वृंदावन में धूम मचाई जाती है, वैसी ही धूम आज यहाँ पर इस पवित्र प्रांगण में हमें दिखाई दे रही है। इस अवसर पर मैं चिराग समाज युवा शक्ति को बहुत बधाई देती हूँ, समस्त सामाजिक बंधुओं को, यहाँ बैठी हुई सभी बहनों को बहुत बधाई, बहुत शुभकामना देते हुए ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि समाज निरंतर ऐसे ही प्रगति करता रहे, अपनी धर्म संस्कृति को आत्मसात करते हुए आने वाली पीढ़ियों को सौंपने का काम भी करते रहें, और हम अपने जीवन में आने वाले हर पर्व हर त्यौहार को मनाते हुए अपने जीवन को आनंद के साथ भरें। हमारे पर्वों का उद्देश्य भी यही है, जीवन में नई ऊर्जा का संचार करना, जिसके साथ हम यह पर्व और त्यौहार मनाते हैं। तो आज चिलाहट समाज युवा शक्ति ने जो आयोजन किया है, इनके लिए मैं बहुत बधाई, बहुत शुभकामना, जिसके लिए हमारे भाई मानसिंह जी का और उनके पूरे सहयोगियों का सहयोग है, हमारे संचालन करता और इस कार्यक्रम के सूत्रधार भाई नरेंद्र गहलोत जी भी हैं, और हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई नीलेश गौड़ जी, विधायक प्रतिनिधि राजीव लोधी जी, हमारी भाभी शकुन बेदी जी और हमारे मंडल के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण आज यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस फाग महोत्सव का आनंद उठा रहे हैं। समस्त भोपाल वासियों को भी होली और रंग पंचमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि होली का यह पावन पर्व जितने रंगों से खेला जाता है, तो सारे रंग ईश्वर सबके जीवन में भरे, ताकि एक आनंद का जीवन हम जी सके, और भगवान कृष्ण का जीवन जैसा आनंद का जीवन था, वो खुशियों के आनंद के पर्याय कहे जाते थे, और होली का ये पर्व भी कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण से ही जुड़ा है। वृंदावन में जिस प्रकार से होली मछली है, उस आनंद और उल्लास का वातावरण देखने को मिलता है, तो वास्तव में हम सबके लिए संदेश है कि जीवन में आने वाले हर पर्व को उत्साह के साथ आनंद के साथ मनाना चाहिए। तो भगवान वासी भी कल आने वाले रंगपंचमी के पावन पर्व को भी इसी उत्साह के साथ मनाए, और भगवान कृष्ण की आराधना के, भगवान कृष्ण की कृपा के पास बने, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं।
मैं खुशी के लम्हों की माला पिरोता हूँ, खूबसूरत यादों को सजाता हूँ। यादें जो कि याद रह जाती हैं, अपने घर और ऑफिस के प्रोग्राम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए फोटोग्राफी और वीडियो शूट कराने के लिए संपर्क करें। 8 1931 हाउसिंग बोर्ड करोल बेरा से रोड भोपाल। कॉन्टैक्ट 9666953021।